अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। क्लास टू, कल हमने अपने चैप्टर यूनिट नंबर 6, जिसका टॉपिक था केयरफुल हंस, उसकी हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्या करेंगे? यस, आज हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग राइट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले अपना एक पेज रेडी करेंगे, उस पर हम लिखेंगे यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 का टॉपिक क्या है? केयरफुल हंस। उसका उन्वान क्या था? केयरफुल हंस। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम पेज को पहले रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद हम टॉपिक राइट करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? वर्ड्स मीनिंग प्लस डिक्टेशन। इन शॉर्ट में हम लिखेंगे वर्ड्स मीनिंग प्लस डिक्टेशन। हमने इन शॉर्ट राइट किया वर्ड्स मीनिंग हमने फिर राइट किए, और दरमियान में एक लाइन लगाई हमने। पहला वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है? पाथ। पाथ का क्या मीनिंग है? रास्ता। पाथ का क्या मीनिंग है? रास्ता। पाथ के क्या स्पेलिंग है? PATH, पाथ। पाथ के क्या स्पेलिंग है? PATH, पाथ। नेक्स्ट वर्ड है फुलिश। फुलिश का क्या मीनिंग है? बेवकूफ़। फुलिश, बेवकूफ़। फुलिश की क्या स्पेलिंग है? FOOLISH, फुलिश। नेक्स्ट वर्ड है नीडल। NEEDLE, नीडल। नीडल मीन सुई। नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड मीन पीछे। बिहाइंड के स्पेलिंग क्या है? BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड मीन पीछे। लास्ट वर्ड हमारा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन जंगल। फॉरेस्ट के स्पेलिंग क्या है? FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन जंगल। तो बच्चों, आपने ये पांचों वर्ड अच्छे से लर्न करने हैं, और लर्न करने के बाद आपने रफ कॉपी पर भी राइट करके देखना है। इसको आपने अपनी नीट कॉपी पर भी राइट करना है, और आपकी आज की डायरी यही है। आपने ये वर्ड्स मीनिंग लर्न करने हैं। थैंक यू।